है ब्यूटीफुल कोरिया। हाय फ्रेंड, नमस्ते, अन्यंग कैसे हो, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाय फ्रेंड, नमस्ते, अन्यंग कैसे हो, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है सुबह सुबह 11:40 हो रहे हैं, सुबह नहीं आफ्टरनून होने वाले हैं। हमारे गुड्डू का फेस आप लोग देख सकते हो, अभी तक स्माइल कर रहे थे मुझे देख के ऐसा नहीं है देखो अगर वीडियो में आते हैं तुरंत फेस बना लेते हैं अपना। तो हम ये जा रहे हैं ऑफिस, आज थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया है, 11:40 हो रहे हैं और हमें भी कुछ काम नहीं, आज बहुत सारा काम है। अतर्क सिंह चले गए हैं सुबह सुबह स्कूल, 9 बजे ही चला जाता है हमारा लड़का, हमारा करेजी, और हम जा रहे हैं, हमें बहुत सारा काम है। तो हमें 3:40 तक खराल में घर आना होता है, लंच भी नहीं किए हैं और काम तो बहुत सारा है। देखते हैं कितना काम होता है, कितना काम पेंडिंग रहता है, नेक्स्ट डे के लिए रहता है, तो अभी देखते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या करना है। आज मुझे बहुत काम है और धूप भी अच्छी खासी है, तो आज कैप सनग्लास सब कुछ लेके आए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। वाटर बॉटल नहीं आला यार, पानी प्यास लग जाती है। ये ऐसे छोड़ के हमें ऑफिस निकल जाएंगे, इधर ही मुझे गुड्डू आप मुझे यहाँ पे छोड़। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा काम है, फिर यहाँ से बस लेंगे और हमें इमार्ट जाना है, वहाँ पर बहुत काम है। यही वाली बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग, तो हमें पहले यहाँ पे काम है, उसके बाद हमें इमार्ट भी जाना है, सॉरी होम प्लस जाना है, तो उसके लिए बस स्टॉप आगे चलना नहीं पड़ेगा, यहाँ से बस ले लेंगे और जाएंगे होम प्लस शॉपिंग करने। हम पहुँच गए हैं और आज हम यहाँ साउथ कोरिया में करवाने वाले हैं। हम यहाँ पे आए थे लेजर ट्रीटमेंट करवाने अंडर आर्म्स का, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बाहर से तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। और यहाँ पे ना साउथ कोरिया में ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, तो हमने जो है करवाया अपना लेज़र ट्रीटमेंट, और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं आपको करवाने में अंडर आर्म्स का, तो 5 मिनट भी हमें नहीं लगा करवाने में। बट फर्स्ट टाइम था ना, तो ये लोग 50 चीज़ें समझा रहे थे, ये वो देश भर का, तो उसमें कम से कम आधा घंटा ये लोग ले गए, आधा घंटा नहीं तो उससे ज़्यादा ही 45 मिनट्स ले गए थे ये लोग समझाने में कि क्या है क्या और क्या क्या करवा सकते हो आप। बट मुझे और फुल बॉडी का या और कहीं का नहीं करवाना था, सिर्फ अंडर आर्म्स का करवाना था, तो वो करवाए, जिसका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही, हाँ मतलब बहुत बड़ी क्लिनिक थी इनकी। फिर ये हमें दूसरी जगह ले आए, ये देखो हम कपड़े अपने चेंज किए, गाउन ये दिए, वो गाउन पहनना था, उसके बाद जो है लेज़र ट्रीटमेंट हुआ, जो कि जेंट्स डॉक्टर थे बट सो के वो ये थोड़ा तो है। हम बस मिल गई थी और बस से आ गए हैं अपनी शॉपिंग करने, और हम बहुत सारा सामान लिया, देखो पूरा ये नाइकी वाला थैला, क्योंकि वेजिटेबल शॉपिंग करनी थी, तो वेजिटेबल्स आपको पता ही है ना, आलू टमाटर प्याज और एप्पल भी लिए हैं, तो वो सब हैवी हो जाता है ना एक्चुअली, तो बहुत हैवी हो गया, मेरा कंधा दर्द कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं होम प्लस, क्योंकि हमें होम प्लस से भी शॉपिंग करनी है, हम आपको बोल नहीं रहे थे कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, और टाइम भी हो गए हैं 1:05, दिखाओ टाइम सबको, 1:05 हो गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, लेट हो रहा है, मुझे भूख इतनी तेज़ लगी है, गलती की, पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ कुछ खा लेना चाहिए था मुझे, आगे निकल आए हैं बहुत ज़्यादा, अब नहीं जाने वाले हैं, चल रहे हैं होम प्लस, वहाँ से भी शॉपिंग करेंगे। और आज हम गए हुए थे ना वहाँ पे अंडर आर्म्स का, यहाँ साउथ कोरिया में अंडर आर्म्स का जो है लेज़र ट्रीटमेंट ले गए, तो वहाँ पे भी टाइम लग गया 1 घंटे, मतलब वहाँ तो 5 मिनट लगते हैं करने में, बट वो फर्स्ट टाइम था तो वो सब एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी, उसके बाद ड्रेस चेंज करो, ये करो वो करो करके टाइम लग गया, तो वहाँ से फिर यहाँ आए शॉपिंग करने, अभी आ गए होम प्लस, यहाँ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना रहेगा, और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, भूख देखते हैं। गलती है कि इंडियन रेस्टोरेंट में समोसा वगैरह कुछ लेके खा लिए होते ना, तो थोड़ा इजी रहता, आएंगे बट आगे निकल के ध्यान ही नहीं दिए,
और ये रहा होम प्लेस। जो है हम पहुंच गए हैं यहाँ पे होम प्लेस से, क्योंकि फास्ट भी किए थे, वो भी बहुत हैवी नहीं किए थे, और अभी हमें बहुत सी चीज़ें लेनी है यहाँ पे भी। वाटरमेलन लोग बहुत खाते हैं, छोटे छोटे से भी वाटरमेलन है, पूरा फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। इधर है ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, सब कुछ है। लगी थी भूख और कुछ नहीं समझ आया, तो अभी प्रेजल और लेमिनेट पी रहे हैं। और ये देखो शॉपिंग करके इसमें रख लिए हैं सामान भर भर के, और सोचे पहले कुछ खा पी लें और उसके बाद शॉपिंग करेंगे, क्योंकि दो बज रहे हैं और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फाइनली वॉक करते करते पहुँच गए बस स्टॉप पे, और बस आने में 4 मिनट है, वेट करना है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हमें बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ी है, लगभग 20-22 मिनट की वॉक थी। वहाँ से दिखा रहा था कि 26 मिनट में बस आने वाली है, वॉक करते करते 4 मिनट बचे हैं, और इतना सारा सामान लेके, ये पूरा फुल है, बहुत हैवी है, मतलब ये देखो एकदम रेड हो गया है, इतना सारा सामान है। दो थैला और डाल दिए हैं, वेजिटेबल फूड सब सामान, पर्स में अलग से सामान डाला है, और अभी निकलना है क्योंकि 2:30 बज गए हैं, 3:30 बजे तक घर पहुँचना है, आधा घंटा तो बस से जाने में ही लग जाएगा, फिर हम उतार ही नहीं पा रहे हैं आज से ही, और बस भी दिखा रहा आधा घंटा लेट आएगी, तो 3:30 बज जाएंगे हमें घर पहुँचने में, एग्जैक्ट टाइम वही हो जाएगा। पहुँचे इतने थके हारे से, और 3:30 बज रहे हैं, अभी लंच करने चल रहे हैं। लंच भिंडी की सब्जी है, भरवा करेला है, दाल है, चावल है। 10 मिनट में जल्दी जल्दी से खाना है, उसके बाद अथर्वा जाएंगे, वो लेने भी जाना है ना। यहाँ जो है रात के हो गए हैं 9:30, अथर्व सिंह को सुला दिए, बहुत काम है अभी, और ये खा रही खिचड़ी, खिचड़ी कह लो, नमकीन चावल कर लो, जो भी कह लो, ये बनाए ये खा रहे हैं, और सैलेड काट लिए थोड़ा बहुत, और बनाना है गुजिया, थोड़ी बहुत गुजिया बन चुकी है, थोड़ा भी बनाना है, तो बहुत काम है। अभी दिखाते हैं आपको, गुजिया पूरा फैलाए हुए हैं, अथर्व सिंह भी साथ में बना रहे थे, तो उन्हें सुला दिया है, उसके बाद अभी बनाएंगे। साउथ कोरिया में रात के 11 बजने वाले हैं, हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है, आपको दिखाते हैं पहले अपनी गुजिया, ढेर सारी बनाए हैं, ये डिब्बे भर के ये है, और इसमें भी है, उनके फ्रेंड्स को देनी है इतनी गुजिया, और ये है। आप लोगों को दिखाते हैं क्रिएटिविटी का लेवल अपने गुड्डू के, कितने क्रिएटिव हैं। क्रिएटिविटी का लेवल ये देखो कि ये डाइटिंग पे हैं और खानी है गुजिया भाई साहब को, और ये देखो गुजिया, ये गुजिया पता है आपको एयर फ्रायर में बनी है, और एयर फ्रायर में ऐसी गुजिया बनी है कि ये ना, ये जो आपको काला काला ऊपर दिख रहा है ना, दिखाते हैं तोड़ के, ये अंदर से भी ओवर कुक हो गई है, अंदर वाला माल भी ना काला हो गया, सॉरी, ये देखो ऐसे हो गई गुजिया अंदर से भी, ये इतनी मेहनत से गुजिया बनाए, 5 गुजिया ये आदमी वेस्ट कर दिया है हमारा, हमारे करे हमारे गुड्डू, बट हमारे गुड्डू से बढ़ते कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, जहान में। हमारे तरफ से सो गए हैं, हमें सुबह उठना है, बताओ 11 बजे गुजिया गुजवा के चक्कर में चल रहे हैं हम भी सोने, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।